हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फुल सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख रहे थे, हम लोग एक फेज इंडियन नेशनल कांग्रेस का देख चुके थे, मॉडरेट फेज 1905 तक के फेज को। अब 1905 से हम स्टार्ट करते हैं। 1905 से जो फेज है 1915 तक, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज माना जाता है। क्या ज़रूरत पड़ी कि मॉडरेट से चेंज होकर लीडरशिप एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में जानी पड़ी, या ऐसा क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट आए, एक्सट्रीमिस्ट का एडवेंट हुआ, ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऐसी कुछ घटनाएं हुई उस समय पे जिससे मॉडरेटर्स के जो 3 P's थे, जो 3 तरीके थे, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट, ये फेल होते नज़र आ रहे थे। इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने लीडरशिप की कमान अपने हाथों में ली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे बढ़ाया। वो अलग बात है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के साथ कुछ अनबन भी हुई, स्प्लिट भी हुआ, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में सबसे पहले कुछ फेस जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स। इनका ईयर 1906 से टिल गांधीयन फेज था। एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद अब गांधीयन फेज आएगा, जब गांधी जी इंडिया आ चुके होंगे और लीडरशिप गांधी जी के हाथों में होंगी। पहला फैक्ट है, दे बिलीव इन एक्सट्रीम मेजर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये एक्सट्रीम मेजर्स में बिलीव करते थे, नो प्रे नो पिटीशन, ये डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे। दे हैड नो ट्रस्ट इन ब्रिटिश एक्शंस एंड देयरफॉर वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। मॉडरेटर्स ने बहुत बार पिटीशन फाइल किया है, इंडिया के डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखा है, पर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कभी नहीं की थी ब्रिटिशर्स के सामने। एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप एक नई डिमांड लेके आए थे कि हमें ब्रिटिशर्स से ही छुटकारा चाहिए, हम अपने देश में रह करके दूसरे देश के सामने डिमांड क्यों रख रहे हैं, ये उनका कहना था। नेक्स्ट फैक्ट, दे वर टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डिडंट वॉन्ट एनी कॉपरेशन विद देम। जैसे मॉडरेट्स कॉपरेट करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, पिटीशन फाइल करते थे, उनके लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते थे, वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट उन्हें एकदम ही अपोज करते थे, उनकी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, दे यूज्ड एक्सट्रीम एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश। मीन्स यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से तो कोई मतलब ही नहीं था, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंडिया में रूल कर रहा था, मतलब वो लॉ के पाथ में नहीं चलना चाहते थे, वो पिटीशन प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के सामने, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लाइक मूवमेंट्स, बॉयकॉट्स, इनका यूज़ करना चाहते थे। नेक्स्ट, दे वर रेडिकल एंड बिलीव इन मिलिटेंसी एज द ओनली वे अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे कंडेम द मॉडरेट्स फॉर देयर वेज। ये मिलिटेंसी में बिलीव करते थे, मतलब मिलिट्री एक्शंस लाइक हम बॉयकॉट कर सकते हैं, हम स्वदेशी का यूज़ कर सकते हैं, ये एक्शन में बिलीव करते थे। नेक्स्ट इज, दे फाउंड देयर सपोर्ट इन मिडिल एंड लोअर क्लास। सबसे मेन एक्सट्रीमिज्म के सक्सेस होने का रीज़न था कि इनका सपोर्ट सिस्टम, जो मॉडरेटर्स का सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत कम था, less than 1%। आप सोचिए उस समय पे इंडिया में कितने लॉयर्स होंगे, कितने बैरिस्टर्स होंगे, कितने प्रोफेशनल्स हुआ करते होंगे, पर लोअर एंड मिडिल क्लास तो भरी पड़ी थी इंडिया में। इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट मिला उन लोअर एंड मिडिल क्लासेस लोगों से, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो भाषा बोलते थे, जो चाहते थे, वही लोअर एंड मिडिल क्लासेस चाहती थी। क्योंकि ब्रिटिश के आने से सबको लॉस हुआ था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को लॉस हुआ था, बिजनेस हाउसेज ऑफ द इंडिया को लॉस हुआ था, फार्मर्स को लॉस हुआ था, तो एक्सट्रीमिस्ट ने दुखती रग को पकड़ा इंडिया की, फार्मर्स, बिजनेस मैन, हैंडीक्राफ्ट पर्सनस एट्सेट्रा। मेन लीडर्स इसके थे लाल बाल पाल, जिन्हें हम बोलते हैं लाल बाल एंड पाल। लाल इस फॉर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल बिपिन चंद्र पाल। इस स्लाइड में आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, लाल बाल पाल एंड एक और लीडर थे अरविंदो घोष। जैसा कि पहला क्वेश्चन ही मैंने पुट किया था कि ऐसा क्या हुआ कि हमें मॉडरेट लीडरशिप से विश्वास उठना स्टार्ट हो गया, हमारा मॉडरेटर उस पे से फेथ ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, तो एक्शन वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के, और उन्होंने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के राजनीति में, क्योंकि जितने भी किंग्स हुए हैं या मेजर किंग हुए हैं वो बंगाल से हुए हैं। आज का बंगाल उस समय के बंगाल से बहुत अलग है। उस समय के बंगाल में बिहार, कुछ पार्ट यूपी का बंगाल, आज जो है असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारा पार्ट बंगाल के अंदर आता था उस समय। तो उस समय का बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, इनफैक्ट बांग्लादेश, पार्ट ऑफ बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल एक बहुत बड़ी यूनिट थी उस समय, और ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपना कैपिटल 1911 में बनाया था, उसके पहले बंगाल ही ब्रिटिश की कैपिटल हुआ करती थी। अगर बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो ये प्रॉपर
लाइव एग्जाम्पल है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स का। बंगाल में बहुत पावरफुल स्ट्रगल होने शुरू हो गए थे, मूवमेंट्स होने शुरू हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा ऑपरेशन बंगाल को ही सहना पड़ रहा था, बंगाल के लोगों को सहना पड़ रहा था। तो बंगाल में उनके अगेंस्ट में ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी थी। अब लॉर्ड कर्जन ने एक नीति लाई, उन्होंने सोचा क्यों ना बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। उन्होंने रीज़न दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा यूनिट है, उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको रूल करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। पर रियल रीज़न वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने ऐसा सेटअप किया था डिवीज़न ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल का कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस या मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ आ रहे थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ आ रहे थे। तो ये लाइव एग्जाम्पल हो गया कम्यूनल बेसिस पे डिवाइड एंड रूल। इनफैक्ट बंगाल डिवीज़न का डेट भी डिसाइड कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि 19 जुलाई 1905 ने कर्जन ने अनाउंस करा था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीज़न हो जाएगा। अब जब ये मैटर उठा तो एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेटर्स को साइड किया और उन्होंने लीडरशिप ली कि हम अब एक्शन पे आएंगे, हम दो इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। पहला है बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना, पूरी तरह से बहिष्कार कर देना। एंड नेक्स्ट हम लोग जिस मूवमेंट पे आएंगे वो है स्वदेशी मूवमेंट, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना, स्वदेशी मूवमेंट। अब इन सब की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। बॉयकॉट में जितने भी फॉरेन कपड़े थे, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, उनकी होलिका दहन करी जाने लगी, जगह जगह पे होलिका जलाई जाने लगी जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थे। स्वदेशी के अंदर हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूस्ट मिली, हमारे प्रोडक्शन को बूस्ट मिली, स्वदेशी प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। इनफैक्ट बहुत सारे विद्यापीठ्स, बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटी जो इंडियन लैंग्वेजेस में इंडियन टीचर्स के थ्रू ये इस्टेब्लिश किए गए। तो बहुत सारे चेंजेस हुए 1905 में एक्सट्रीमिस्ट की लीडरशिप में। एंड फाइनली इतने बड़े मास मूवमेंट को देखते हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। फाइनली बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ उस टाइम पे। एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने समझा कि हम बंगाल में रह के पूरे कंट्री को रूल नहीं कर सकते, यही वो टाइम था 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। अब क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट की पावर जो थी, एक्सट्रीमिस्ट के फेमस सिटी चरम सीमा पे थी, वो बहुत फेमस हो रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है सूरत में 1907 में, एंड वहाँ पे हो जाता है स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर्स। अब सूरत स्प्लिट की बात करते हैं। सूरत स्प्लिट गलत फहमियों की वजह से हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट क्योंकि सक्सेसफुल हो गए थे अपने बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल का पार्टीशन रद्द होने के बाद, वो सोचने लगे थे कि लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, मॉडरेटर्स के वेज फेल हो रहे हैं। एंड मॉडरेटर्स क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जबकि रियलिटी ये थी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। ब्रिटिशर्स मॉडरेटर्स की थोड़ी बहुत बातें इसलिए मानते थे, डिमांड्स इसलिए मानते थे क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ मॉडरेटर्स को यूनाइट होते हुए नहीं देखना चाहते थे। एंड एक्सट्रीमिस्ट को जेल में इसीलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि वो मॉडरेटर्स को अपने अगेंस्ट में नहीं करना चाहते थे। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे थे, पर यहाँ इन्हें गलत फहमी का शिकार होना पड़ा। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही रही है डिवाइड एंड रूल। तो इसमें सूरत स्प्लिट में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दैट इज़ मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ये हुआ इसलिए था क्योंकि मॉडरेटर्स की पॉलिसीज़ लगते थे एक्सट्रीमिस्ट को फेल हो रहे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो एक्सट्रीमिस्ट के हैंड में जाए, वो चाहते थे या तो लाला लाजपत राय या फिर तिलक प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1905 दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट बन गए, उनको चांस मिला नहीं, और दादा भाई नेहरू जी क्योंकि इतने सीनियर है वो कुछ बोल नहीं सके, वो एक मॉडरेटर लीडर है। नेक्स्ट 1906 की बात करें तो भी दादा भाई नेहरू जी को बना दिया गया और उस टाइम पे भी वो कुछ बोल नहीं सके। जब 1907 की बात आई और सेशन नागपुर में होना था, तब तिलक एक फर्म दावेदार थे कांग्रेस की प्रेसिडेंसी के लिए, पर मॉडरेटर्स ने इस सेशन को चेंज करके इसका प्लेस सूरत रख दिया। अब सूरत क्योंकि तिलक का होम टाउन है, और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में डील किया है, कांग्रेस का ये फीचर रहा है कि होम टाउन में प्रेसिडेंसी नहीं मिल सकती है। सूरत तिलक का होम टाउन है, बाल गंगाधर तिलक वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे।
और फाइनली रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया गया उस समय सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये बात एक्सट्रीमिस्ट को लग गई, उन्होंने वहाँ पे बहुत हंगामा किया, बहुत एक्शंस हुए, रिएक्शंस हुए एंड फाइनली कांग्रेस स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। अब इस पूरे एक्शन में फ़ायदा किसका हुआ? इस पूरे एक्शन में, इस पूरे स्प्लिट में फ़ायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स का होना है, सिर्फ ब्रिटिश फ़ायदेमंद रहे, क्योंकि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गया एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई। आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, क्योंकि हमें एक इमेच्योरिटी देखने को मिली मॉडरेट लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में। हमारा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए था इंडिया की फ्रीडम, बट इन्होंने फिर वही स्टार्ट कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट आर बेटर और मॉडरेटर्स आर बेटर। इसीलिए गांधी जी की लीडरशिप बहुत मायने रखती है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। 1915 के बाद का जो फेज़ है, वहाँ पे हम इन टाइप के स्प्लिट्स को, इन टाइप के कम्युनल स्प्लिट्स को थोड़ा बहुत आते हुए देख रहे हैं, पर हावी होते हुए नहीं देख रहे हैं उस गोल पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था कि इंडिया को फ्रीडम दिलानी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।